जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा थर्ड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा थर्ड में हम वैदिक गणित परिचय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, अध्याय संख्या 6। ठीक है बच्चों, वैदिक गणित परिचय में अब तक हमने एकाधिकेन और न्यूनेन के प्रश्नों को हल कैसे करते हैं इसके बारे में अध्ययन कर लिया है। एकाधिकेन किसे कहते हैं कि दी गई संख्या में एक जोड़ के उस संख्या को अधिक करना। ठीक है, एकाधिकेन किसे कहते हैं कि दी गई संख्या में एक जोड़ना। और एक न्यूनेन क्या होता है बच्चों, एक न्यूनेन मतलब दी गई संख्या में से एक कम करना। तो एकाधिकेन और न्यूनेन, एक न्यूनेन के बारे में हमें अध्ययन हो गया है। तो आइए आगे के पाठ को हम आगे के अध्याय को जारी रखते हैं। तो कल हमने एक न्यूनेन और एकाधिकेन और एक न्यूनेन के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, यदि संख्या में किसी एक न्यूनेन, एक का न्यूनेन करना हो तो उस अंक पर एक न्यूनेन चिन्ह लगाकर नई संख्या ज्ञात कर लेते हैं। जैसे अब बच्चों, कल हमने एकाधिकेन के सारे प्रश्नों को हल कर दिया था, एक न्यूनेन के कुछ प्रश्नों को हमने हल किया था और कुछ को आज समझ लेते हैं कि कैसे एक न्यूनेन के प्रश्नों को हम और अधिक हल कर सकते हैं। तो संख्या क्या है हमारे पास में, 15। अब 15 में एक अंक, एक का एक न्यूनेन, एक का एक न्यूनेन 15 लिख दिया यहाँ पे, और एक के नीचे हमने क्या कर दिया, एक न्यूनेन का चिन्ह लगा दिया। अब संख्या के ऊपर जो चिन्ह बिंदु लगाते हैं तो वो क्या होता है, एकाधिकेन, मतलब एक अधिक करना, संख्या में एक जोड़ना। मगर यहाँ हमने क्या करना है, एक न्यूनेन करना है। क्या करना है, एक न्यूनेन करना है, तो एक के नीचे हम बिंदु लगाएंगे। तो हमारे पास नई संख्या क्या बन गई बच्चों, 05। क्यों, अगर हमने यहाँ ऊपर बिंदु लगाए होता तो ये क्या हो जाता, 2 हो जाता, और यहाँ संख्या क्या रह जाती, यहाँ संख्या क्या बनती, नई संख्या 25, है ना। मगर हमें एक न्यूनेन करना है तो एक में से एक को हम घटाएंगे तो क्या संख्या रह जाएगी, 0। क्या संख्या रह गई, 0। तो नई संख्या क्या बन गई, 15 में अंक 1 का न्यूनेन करने पे 5। ठीक है, ऐसे ही 36 में अंक 3 का एक न्यूनेन, 36 में अंक 3 का अंक में एक न्यूनेन करना है तो नई संख्या क्या बन गई, 26। ठीक है, नई संख्या क्या बन गई बच्चों, 26। क्यों, क्योंकि हमने 3 के नीचे क्या कर दिया, एक न्यूनेन का चिन्ह लगा दिया और 3 में से एक घटा दिया तो संख्या क्या रह गई, 2। संख्या कितनी रह गई यहाँ पे, 2 रह गई। ठीक है, तो नई संख्या क्या बन गई, 36 से नई संख्या 26 बन गई। ठीक है, अब है 57 में अंक 5 का एक न्यूनेन, ये संख्या है 57। 57 में अंक 5 का एक न्यूनेन करना है तो 5 के नीचे हमने क्या कर दिया बच्चों, बिंदी लगा दी। तो 5 के नीचे बिंदी का अर्थ क्या है, 5 में से एक कम करना। तो 5 में से हमने एक कम किया तो संख्या क्या रह गई, 4। तो यहाँ संख्या, नई संख्या क्या बन गई, 47। 57 में से एक घटाया, 5 में से एक घटाया तो 57 की एक न्यूनेन करने पे नई संख्या क्या रह बनी, 47। तो कितनी कम हो गई, 10। अब यहाँ 15 में से अंक 1 का न्यूनेन किया तो नई संख्या क्या रह गई, 5। तो कितना कम हो गया, 10। अब यहाँ पे 36 में से अंक 3 में एक न्यूनेन करना था हमें तो संख्या रह गई 26। तो कितने का अंतर आ गया, 10 का। ठीक है, ऐसे ही 57 है, 57 में अंक 5 का एक न्यूनेन करना है तो संख्या क्या रह गई, 47। तो 10-10 का गैप हो गया सब में। ठीक है, तो एक न्यूनेन, एकाधिकेन और एक न्यूनेन के प्रश्नों को हमें कैसे हल करना है, अच्छे से आपने समझ लिया है ना बच्चों। एकाधिकेन में हमेशा अंक के ऊपर बिंदु लगेगा, कहाँ बिंदु लगेगा, अंक के ऊपर। और जब हम एक न्यूनेन करेंगे तो बिंदु हमें कहाँ लगाना है, अंक के नीचे। ये हमेशा याद रखना बच्चों, अगर आपने इसमें गड़बड़ की तो आपका प्रश्न का उत्तर गलत हो सकता है। तो हमेशा चिन्ह का ध्यान रखना कि ऊपर है तो एकाधिकेन और नीचे बिंदु लगा है तो एक न्यूनेन। ठीक है, तो आइए प्रश्नावली 6 के कुछ प्रश्नों को हम हल करते हैं। एकाधिकेन क्या, कौन से प्रश्न है हमारे पास में, एकाधिकेन के प्रश्न हैं। तो 3 में एकाधिकेन का चिन्ह लगा दिया हमने तो 3+1 बराबर कितना हो गया, 4। ऐसे ही
दो में एकाधिकेन का चिन्ह लगा दिया तो दो प्लस एक बराबर कितना हो गया तीन। अब यहाँ पे आठ है तो आठ में हम क्या करेंगे, एकाधिकेन करना है, एक जोड़ देंगे बराबर कितना हो जाएगा नौ, बराबर कितना हो गया नौ। ऐसे ही चौथा प्रश्न है छः का एकाधिकेन करना है तो छः प्लस एक बराबर कितना हो गया सात, कितना हो गया सात। अब ऐसे ही पाँच का एकाधिकेन करना है तो पाँच प्लस एक बराबर छः, ठीक है। इसको हम सीधा भी लिख सकते थे कि यहाँ छः लिख के नई संख्या पाँच प्लस छः लिख दिया और यहाँ छः हो गया, संख्या नई संख्या बन गई छः हो गई, ठीक है। तो तीन का एकाधिकेन चार, नई संख्या चार बन गई। दो में एकाधिकेन किया तो नई संख्या तीन बन गई। आठ में एकाधिकेन किया तो नई संख्या क्या बन गई नौ। और छः में एकाधिकेन किया तो नई संख्या क्या बन गई सात। ऐसे ही पाँच में हमने जब एकाधिकेन किया तो संख्या क्या बन गई छः। कैसे, तीन। अब देखो बच्चों, सब में क्या है, अंक के ऊपर बिंदी लगी है ना, तो इसका अर्थ क्या हो गया, हमें एकाधिकेन ही करना है, ठीक है बच्चों। तो तीन का एकाधिकेन तीन प्लस एक बराबर चार, दो का एकाधिकेन दो प्लस एक बराबर तीन, आठ का एकाधिकेन बराबर आठ बराबर प्लस एक, आठ प्लस एक बराबर नौ। ऐसे ही छः का एकाधिकेन क्या हो जाएगा, छः प्लस एक बराबर सात। ऐसे ही पाँच का एकाधिकेन में पाँच प्लस एक बराबर छः, ठीक है बच्चों। तो हमें इसी तरह से एकाधिकेन के और प्रश्नों को हल करना है, तो बाकी के प्रश्नों को हम कल के वीडियो में हल करेंगे। जय श्री कृष्ण।